नमस्कार दोस्तों, इंप्रूव योर लाइफ में आपका स्वागत है। मैक्सिम गोर्की को बचपन में पढ़ना बहुत ही पसंद था। गोर्की के घर में पढ़ने की लाइफ स्थितियां नहीं थी, वो पढ़ना चाहते थे, इसलिए उसने कबाड़ी के वहां नौकरी ले ली। कबाड़ी की दुकान में रोज हजारों पुस्तकें आती थी। पुस्तकों को देखते ही गोर्की के मन में पढ़ने की इच्छा जागृत होती थी। काम के बाद जब भी उन्हें समय मिलता था वो किताब पढ़ते थे। जिस दिन वो कुछ पढ़ नहीं पाते थे तब उसे अधूरा अधूरा लगता था। शुरू शुरू में गोर्की को कई पुस्तकें समझ में नहीं आती थी, फिर भी वो उसे पढ़ते रहते थे और समझने की कोशिश करते थे। जल्द ही उन्हें दुनिया भर की हजारों किताबें पढ़ ली थी। कुछ समय बाद गोर्की को महसूस हुआ कि उसे सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसे लिखने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन गोर्की को खेल खेल में कहानी लिखकर समाचार पत्र में छपने के लिए भेज दी। कुछ दिनों बाद वह कहानी न सिर्फ प्रकाशित हुई बल्कि सुप्रसिद्ध लेखकों ने उस कहानी के लिए बधाई पत्र लिखी। यह देखकर गोर्की का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने अपना सारा ध्यान लेखन और अध्ययन में लगा दिया। वह लगातार लिखने लगे। इसी तरह धीरे धीरे वक्त जाते हुए उसने प्रमुख लेखकों के भी अपनी जगह पक्की कर दी। मैक्सिम गोर्की ने साबित कर दिया कि अगर मन में लगन और आगे बढ़ने के चाह हो तो बड़ी से बड़ी बाधा ध्वस्त होकर गिर जाती है। इसी तरह मैक्सिम गोर्की कबाड़ी की नौकरी करते करते एक प्रसिद्ध लेखक बन गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा।